आरोपों के खिलाफ मथुरा के आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। गोवर्धन में स्वतंत्रता दिवस पर आरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार मिश्रा, सीओ गोवर्धन जगदीश कालीरामन और निरीक्षक गोवर्धन विनोद कुमार ने ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करते हुए करीब 1.5 लाख का जुर्माना वसूला। इस कार्यवाही के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। सर, आज कुछ ट्रक पकड़े गए हैं जिन पे आपने कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है? देखिए, ओवरलोडिंग के ऊपर एक जो है विशेष अभियान चल रहा है जिसमें एआरटी एनफोर्समेंट है और जो ओवरलोडिंग वाले जो ट्रक थे उनके ऊपर जुर्माना किया गया, लगभग 1.5 लाख का जुर्माना है और ये एक विशेष अभियान चल रहा है एसएसपी साहब के निर्देश के अनुसार। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन अभी से नेताओं ने जनता की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जनता में जाकर क्रांति की। हुड्डा ने जन क्रांति यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर इस कड़ी की शुरुआत की। इसी कड़ी में उनकी यात्रा कनीना क्षेत्र के अनेक गाँव का उन्होंने वहाँ दौरा किया और सत्तारूढ़ दल भाजपा पर अनेक मुद्दों को लेकर प्रहार भी किए। वही विधानसभा पर बोलते हुए कहा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव कभी भी करवाएं। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति यात्रा महेंद्रगढ़ जिले में 12 अगस्त को प्रवेश कर गई थी। आज उनकी यात्रा कनीना क्षेत्र में पहुंची। अनेक गाँव में इस यात्रा का स्वागत किया गया तो वही यात्रा के दौरान अनेक जनसभाएं भी की गई। हुड्डा ने जनसभा के माध्यम से भाजपा की सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इस यात्रा में कांग्रेस के वो चेहरे दिखाई दिए जो हमेशा ही हुड्डा गुट में दिखाई देते हैं। आज उनकी यात्रा का अंतिम दिन था। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा ने जो वादे किए थे आज वो सब जनता के बीच पूरे नहीं किए जा रहे। जन क्रांति यात्रा के दौरान हुड्डा लोगों को अब लुभावने वादे भी देने लगे हैं। उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए प्रति महीना, किसानों के ऋण माफ और बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे। आप जो अपनी यात्रा कर रहे हैं इसमें आपको रिस्पांस किस टाइप का मिल रहा है? आप सब देख रहे हैं महेंद्रगढ़ की रैली से लेकर अब तक जबरदस्त 36 बरादरी का समर्थन मिल रहा है और इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, बीजेपी सरकार से विमुख हो चुके हैं और इसलिए मौके की तलाश में जिस दिन मौका मिला उस दिन वोट देकर सुधार करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा का विधानसभा का चुनाव साथ देंगे। चुनाव आयोग कश्मीर में शहीद हुए जवान पुष्पेंद्र को उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील इलाके में उनके खुटिया गांव में हजारों ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर शहीद के घर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शहीद हुए पुष्पेंद्र सिंह के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। परिवारजनों एवं ग्रामीणों ने शहीदों के परिवार को खेती के लिए जमीन एवं विधवा सुधों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है, क्योंकि शहीद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पुष्पेंद्र के पिता तेज सिंह राजमिस्त्री हैं, वहीं बड़ा भाई बनवारी रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। बिलासपुर जिले में डेंगू का डंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर परविंद्र शर्मा ने बताया कि डेंगू के 28 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 मामले बिलासपुर शहर से, 7 मामले मार्कंड से, 2 मामले झंडूता से और 11 मामले मंडी से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से पीड़ित 75 रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें से डेंगू से पीड़ित 4 रोगी अस्पताल में दाखिल हैं और शेष रोगियों का इलाज घरों में ही हो रहा है।
धर्मपुर क्षेत्र की पंचायत पपलोग मुख्यालय में स्थित एक निजी पाठशाला परिसर के नजदीक शराब का ठेका चल रहा है, लेकिन प्रशासन शिकायतों के बावजूद इसे वहां से हटाने में नाकाम रहा है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ठेका स्कूल के नजदीक होने से उन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। निजी स्कूल के मुख्याध्यापक का कहना है कि उनका स्कूल 7 वर्षों से यहां चल रहा है, लेकिन अब इसके नजदीक ही शराब का ठेका खोल दिया गया। निरीक्षण आबकारी एवं कराधान सरकाघाट निर्देश कुमार का कहना है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई है और जल्द ही उचित कदम उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहते तो शिमला में है, लेकिन अपने कुर्ते सिलवाने के लिए वह अक्सर इंदौर का रुख करते हैं। दरअसल जयराम ठाकुर को इंदौरी फैशन के कुर्ते बेहद पसंद है। इंदौर के मशहूर पहलवान टेलर के पारंपरिक नी फिटिंग और नेहरू मोदी स्टाइल जैकेट उनको खासा पसंद है। जयराम ठाकुर पिछले 10 साल से इंदौर के पहलवान टेलर से ही अपने कुर्ते पैजामे सिलवा रहे हैं। वह हर 6 महीने में इंदौर आते हैं और अपना नाप देकर जाते हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परिवार समेत 2 दिन के लिए इंदौर दौरे पर आए थे।